नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं ड्रीम अपार्टमेंट का ड्रीम हाउस। सो आप देख सकते हो ये इसका फ्रंट डोर है। फ्रंट डोर दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ना एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं और 2 लिफ्ट्स हैं, तो 2 फ्लैट उस तरफ हैं और 2 इस तरफ हैं। सो ये आ गया हमारा 4 बेडरूम का फ्लैट है, ये ड्रीम अपार्टमेंट का ड्रीम हाउस आपका। इसका आपको दिखा देता हूँ पहले फ्रंट का ओवरव्यू। ऊपर भी सारी पैनलिंग कर रखी है और नीचे भी आप देख सकते हो प्रॉपर टीक वुड के अंदर बना हुआ डोर है ये, और पूरी पीओ पॉलिश हो रखी है इसके ऊपर, डीको पेंट। और अब इससे चलते हैं अंदर। सो ये आ गई हमारा एंट्रेंस। एंटर करते ही हमें मिल जाता है पूरा ड्राइंग हॉल, और ड्राइंग हॉल की अगर आप वॉल देखोगे पहले तो पूरी वॉल पे हाईलाइट्स कर रखी है। इसके बीच में बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स लगा सकते हो या अपनी फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह लगा सकते हो। अब इसकी पहले फॉल सीलिंग देख लेते हैं, तो फॉल सीलिंग भी काफ़ी अच्छी है। ओरिएंट के हमारे लाइट वाले फैंस आ गए, बीच में हमारा प्यारा सा शैंडलर आ गया, और इसकी आप देखोगे पूरी फॉल सीलिंग के अंदर ट्रैक लाइट्स लगी हुई हैं, तो एक्स्ट्रा लाइटिंग दे रखी है, बहुत प्यारी चीज़ है। और यहाँ पर आ जाता है हमारा MC बॉक्स, और यहाँ पर भी हमारा पूरा पैनलिंग कर रखी है, यहाँ पे भी हमारी लाइट्स आएंगी अभी। सो ये पूरा इसका ड्राइंग हॉल है, काफ़ी बड़ा स्पेशियस ड्राइंग हॉल है, आप देख सकते हो। आराम से आपका बहुत ही प्यारा सोफ़ा बन जाएगा, यू शेप चाहो तो या एल शेप चाहो, जैसे मर्जी, बहुत प्यारा बन जाएगा। और सामने की तरफ हमें मिल जाती है प्यारी सी विंडो। सो पूरी बड़ी विंडो है, और विंडो आप खोलोगे तो ये आपको पूरी सोसाइटी का व्यू दिखेगा यहाँ से। ये हमारा जो है 8th फ्लोर का फ्लैट है, विच इज अ टॉप फ्लोर। और ये पूरा ड्राइंग सेक्शन। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा उतना ही स्पेशियस हमारा डाइनिंग स्पेस है। सो डाइनिंग की भी आप वॉल देखोगे पूरी, कितनी प्यारी वॉल बनी हुई है मिरर आउटलुक के साथ, कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे हमारा ऊपर सेम फॉल सीलिंग हो रखी है, और साथ में आ जाता है पूरा ओरिएंट का सेम फैन आ जाता है लाइट वाला, सो विच इज क्वाइट ब्यूटीफुल। अब डाइनिंग के अगर लेफ्ट साइड में चलेंगे हम यहाँ से, तो ये हमारी पूरी स्पेशियस बड़ी किचन, काफ़ी स्पेशियस बड़ी किचन है। सो यहाँ पे हमारी जो सेक्शन दिया गया है, यहाँ पे आप अपना फ्रिज वगैरह लगा सकते हो। इस तरफ को है हमारा पूरा वो आ गया ओवन एंड माइक्रोवेव, और नीचे हमारी आ जाती है फ्रूट बास्केट, फ्रूट एंड वेजिटेबल बास्केट्स। सो यहाँ पे आ गई हमारी फ्रूट एंड वेजिटेबल बास्केट्स। और लेफ्ट साइड पे हमारा जो है सिंक एरिया आ जाएगा। सिंक इससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये इसका पूरा पैंट्री है, और ये आ गया हमारा ओवन एंड चिमनी, सॉरी हॉब एंड चिमनी आ गई, हिंदवेयर की लगी हुई है हॉब एंड चिमनी। और ये सामने आ गया हमारा सिंक सेक्शन। सो ये हमारा वॉशिंग यूटेंसिल्स का सेक्शन आ गया। वॉशिंग ट्रेनिंग सेक्शन में आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरी GTBT लगी दिख जाएगी। सो ये पूरी मॉडलर किचन है, आप देख सकते हो काफी अच्छी किचन बनी हुई है। पूरा इसमें जो है पूरा स्पेस दिया गया है आपको, सारी सॉफ्ट क्लोजेट है, और ऊपर की तरफ भी काफी ये अच्छी। अभी इसमें जो है यहाँ पे आपका शीशा पेंडिंग है, वो लग जाएगा अभी। सो ये प्रॉपर अच्छी अच्छी स्पेशियस किचन बनी हुई है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है किचन भी, और कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। डार्क के अंदर है तो गंदी होने का ज़्यादा डर नहीं रहेगा आपको, बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम इसके बेडरूम्स की बात करते हैं, तो इसमें है टोटल 4 बेडरूम्स। सो जो 2 बेडरूम्स हैं हमारे वो लेफ्ट साइड की तरफ हैं, और 2 जो हैं हमारे वो राइट साइड की तरफ हैं। सो हम पहले राइट साइड पर चलते हैं। सो राइट साइड में पहले तो हमें यहाँ पे मिल जाता है एक छोटा सा वॉशरूम, जिसको आप पाउडर रूम कह सकते हो, या आप जैसे कोई गेस्ट पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो ये हमारा पूरा पाउडर रूम आ गया, और ये आ गया इसका 1st बेडरूम। तो बेडरूम दिखाने से पहले मैं आपको इसका गेट दिखा देता हूँ, जो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो आप इसका गेट देखोगे, काफ़ी अच्छा प्यारा गेट बना हुआ है, डिज़ाइनर चीज़ बनाई गई है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका पूरा बेडरूम। सो ये आ गया हमारा पूरा बेडरूम, ऊपर आ गई इसकी पूरी प्रॉपर बहुत प्यारी फॉल सीलिंग बनी हुई है,
और इस तरफ में हमारी जो छोटी सी बालकनी थी उसको कवर आउट कर लिया है, अंदर ले लिया गया है। सो बालकनी को अगर आप ओपन करोगे तो ये पूरा हमें सोसाइटी के बाहर का व्यू मिल रहा है। ये फ्रंट फेसिंग का फ्लैट है तो इसलिए हमें पूरा सोसाइटी के बाहर का व्यू मिल रहा है। और सामने की तरफ आ जाती है हमारी अलमीरा। सो अलमीरा जो है हमारी वो थ्री टायर अलमीरा है, थ्री डोर्स की अलमीरा बन जाती है। और इसके साथ ही हमें मिल जाता है वॉशरूम अटैच। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट वॉशरूम, काफ़ी अच्छा स्पेशियस वॉशरूम है। ये सामने की तरफ हमें मिल जाता है पूरा वॉश बेसिन, और ये हमारा आ गया पॉट वगैरह एरिया, और ये हमारा शावर सेक्शन है। तो शावर सेक्शन आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा हाईलाइटेड है, ऊपर हमारा शावर है, ये हमारा पूरा आ गया शावर। सो ये जो फिटिंग्स है सारी यहाँ पे जो लगी हुई हैं ये सारी जैगुआर की फिटिंग्स है, और जो हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह लगे हैं वो सारे एंकर के लगे हुए हैं। सो ये हमारे एंकर के स्विचेस आ गए। सो जो काम है सारा वो कम्प्लीटली ब्रांडेड सारा किया गया है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। सो दिस इज आवर सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम की भी फॉल सीलिंग देखोगे काफ़ी अच्छी यूनिक सी चीज़ बनी हुई है। नीचे की आप देखो काफ़ी स्पेशियस है बेडरूम। सामने की तरफ आपको मिल जाती है अलमीरा। सो ये हमारी पूरी अलमीरा। इस अलमीरा में आपको जो दिया गया है नीचे ये जो चीज़ है ये ज्वेलरी सेक्शन के लिए है, या आपने वगैरह कोई वॉचेस वगैरह का कलेक्शन आउट करना हो तो इसके लिए होती है। सो ये पूरी अलमीरा आ गई इसकी, अलमीरा भी डिज़ाइनर है। और सामने की तरफ हमें मिल जाता है पूरा हमारी एसी का यूनिट आ जाएगा और हमारा टीवी आ जाएगा। इसके साथ हमें मिलती है एक बालकनी। सो ये हमारी बालकनी है, पहले मैं इसको आपको नीचे से दिखा देता हूँ ये कितनी स्पेशियस है बालकनी। अब मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। सो ये है हमारा पूरा इसका व्यू। फ्रंट फेसिंग का फ्लैट है, यहाँ से आपको सामने की तरफ देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन चल रही है ये पूरा फ्लाईओवर बन रहा है। ये हमारा फ्लाईओवर जा रहा है टूवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेस वे, और सामने की तरफ हमें मिल जाता है हमारा सामने कन्वेंशन सेंटर बन रहा है जो। सो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, पूरा फ्रंट फेसिंग का फ्लैट है ये। सो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बेडरूम्स की तरफ। सो हमारे जो दो बेडरूम्स हैं वो इस तरफ को हैं। सो ये अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। ये आ गया हमारा थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम भी देखोगे काफ़ी स्पेशियस है, ऊपर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन अनडाउटली अच्छा बना हुआ है। ये हमारी बेड वॉल आ गई, बेड वॉल के ऊपर हमारा एसी का पॉइंट आ गया, और सामने की तरफ आप अपना टीवी लगा सकते हो। और इसमें मिल जाती है ये अलमीरा, ये भी अच्छी काफ़ी बनी हुई अलमीरा है। कलर कॉम्बिनेशंस हर बेडरूम में आपको अलग मिलेंगे, यूनिक चीज़ मिलेगी। और इसके साथ भी हमें मिल जाती है सेम बालकनी जो हमारे पिछले बेडरूम के साथ ही, सेम साइज ऑफ बालकनी है, नॉट सेम बालकनी, सेम साइज ऑफ बालकनी। वो बालकनी हमारी उस तरफ थी, ये हमारी इस तरफ है। व्यू इसका भी सेम मिलेगा आपको, सेम व्यू देख रहे हो आप, कितना प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ से, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, मिस आउट मत करो बिल्कुल भी, मैं तो कह रहा हूँ। इसके साथ हमें मिलेगा अटैच वॉशरूम। सो दिस इज अवर थर्ड वॉशरूम, और इसमें भी आप देख रहे हो प्रॉपर इतना अच्छा प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है, काफ़ी अच्छी यूनिक चीज़ बनी हुई है। फिटिंग्स वही जैगुआर की लगी हुई है इसके अंदर सेम, और डोर्स आप देख रहे हो डोर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मेरे को, यूनिक सी चीज़ लग रही है डोर्स की। अब हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम जो है हमारा फोर्थ बेडरूम। सो ये रूम काफ़ी स्पेशियस है, इसकी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी काफ़ी अलग सा बना हुआ है, बहुत ही वाइब्रेंट सा डिज़ाइन है। और सामने की तरफ इसमें मिल जाती है हमें अलमीरा। सो ये आ गई पूरी इसकी अलमीरा। अलमीरा का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे ये आप देख रहे हो बहुत खुला स्पेशियस रूम है ये। सामने आपकी बेड वॉल आ जाएगी, बेड वॉल के ऊपर एसी का पॉइंट आ गया, और सामने की तरफ आपका आ जाएगा टीवी का पॉइंट। सो यहाँ पे आप अपना एक छोटा सा काउच वगैरह भी रख सकते हो, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा आपको जो कि आपको दिख ही रहा है, बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है दूर दूर तक। और इसके साथ मिलता है हमें अटैच वॉशरूम। सो ये आ गया हमारा पूरा अटैच वॉशरूम। सो ये वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस वॉशरूम है,
और इसके साथ हमें मिलती है एक बड़ी बालकनी। सो ये आ गई इसकी बहुत ही प्यारी बालकनी। कितनी स्पेशियस बालकनी है, यहाँ पे आप अपना वॉशिंग एरिया भी बना सकते हो और इस बालकनी का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। ये भी पूरा फ्रंट फेसिंग है और पूरा आपको व्यू मिलता है। सो इस बालकनी के ऊपर अगर आप देखोगे तो कुछ है नहीं, तो अगर आप शेड वगैरह लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन इसको ऐसे ही रखोगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और यहाँ पे आपको पूरा व्यू मिलेगा स्काई का। सो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, दिस इज़ अ ड्रीम हाउस। सो बिल्कुल मिस मत करो इस ड्रीम हाउस को। अब मैं इसको आपको इसकी फेसिंग दिखा देता हूँ। सो अब हम इसके चलते हैं एंट्रेंस डोर पे। सो जो इसकी फेसिंग आएगी वो प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। सो काफ़ी अच्छी इसमें धूप मिलने वाली है आपको, बहुत अच्छी धूप मिलेगी इसके अंदर। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो इसकी जो आस्किंग है वो 2.55 है। रेस्ट वी कैन टॉक ऑन द टेबल। बाकी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल कॉल करो 9999551682 पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।